back to Mummy ka magic. अब treat number one के बाद बारी है treat number two की. अब आप ही बताइए कौन से बच्चे को spring rolls नहीं पसंद है? सबको पसंद है ना? अब कौन से बच्चों को salad पसंद है? Vegetables पसंद है? I know the answer. किसी को भी नहीं. लेकिन आज वो ही बच्चे, वो ही vegetables बहुत मजे से खाएंगे क्योंकि हम उन्हें present करेंगे spring rolls की तरह. Except ये spring rolls fried नहीं है. And secondly ये हैं राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड. डोंट बी कंफ्यूज, आई विल सॉल्व द मिस्ट्री. हम अब बनाएंगे वेजी स्पाइरल रोल्स. तो लेट्स बिगिन. यहाँ मेरे पास है आटा, गेहूं का आटा हम लेंगे एक बड़े बोल में. और मैंने यहाँ पालक, जी हाँ पालक, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं और जो इतना हेल्दी है, इतना आयरन है इसमें, इट्स जस्ट सो 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 न्यूट्रिशियस, उसका मैंने प्यूरी बना के रखा है जिसके साथ मैं इस आटे को गूंदूंगी. चलिए अब ये पालक यहाँ मिक्स हो गया है, पालक का प्योरी राधा. उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है. अब पानी के साथ हम इसका डो बना लेते हैं. चलिए ये मेरा डो तैयार हो गया है. अब इसे थोड़ी देर साइड में रख देते हैं. काउंटर क्लीन हो गया. अब हम इसके छोटे गोल लेके अब इन्हें हम रोल कर देंगे इन द शेप ऑफ टॉर्टियाज. पतले पतले होते हैं टॉर्टियाज, सो मेक श्योर दैट दिस इज नॉट टू थिक. ओके, अब यहाँ मेरे पास थोड़ा सा सूखा आटा है. यहाँ गैस ऑन कर देते हैं और फिर इसे हम बेल लेंगे. ये पतले पतले राउंड आप बेले इन्हें. लवली, तो ये हो गया नाइस एंड थिन टॉर्टिया. अब इसे ध्यान से हम लेके तवे पे डाल देंगे. अब इसे जल्दी टर्न कर देंगे बिकॉज वी डोंट वॉन्ट इट टू गेट टू ब्राउन. जो व्हाइट टॉर्टियाज होते हैं वो एकदम व्हाइट होते हैं, राइट? यू डोंट सी एनी मार्क्स ऑन इट. और सेम थिंग विद आर लवली ग्रीन टॉर्टियाज. बेसिकली हम इसका जो कच्चापन है वो निकाल रहे हैं. थोड़ा सा इसे हम सेकेंगे. एक्चुअली आई हैव अ प्लेट हियर, इसके ऊपर ही मैं टॉर्टियाज को निकाल लूंगी. लवली. ये हो गया हमारा टॉर्टिया तैयार. अब इसे मैं थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ. अब बाकी की तैयारी शुरू करते हैं. अब हम लेंगे थोड़े से नाइस क्रंची फ्रेश वेजिटेबल्स. यहाँ पे मेरे पास है खीरा, इसे हम फाइनली स्लाइस कर लेंगे. तो साइड में कर देते हैं. अब हम लेंगे नाइस कैबेज, इन्हें भी हम श्रेड कर लेंगे. ओके, अब यहाँ मेरे पास है क्रीम चीज, इसमें मैं थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा पेपर और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स डालूंगी. ब्यूटीफुल फ्लेवर आएगा उससे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर. देयर यू गो एंड आई एम गोना मिक्स दिस अप. आई पर्पसली डू दैट, यू नो दैट, राइट? कभी कभी क्लमजी होने का कुछ एक्स्ट्रा फायदा भी होता है. ऑलराइट, चलिए यहाँ हमारा ये क्रीम चीज तैयार है. टॉर्टियाज आर रेडी. तो अब हम कंप्लीट करेंगे हमारे वेजी स्पाइरल रोल्स. अब हम लेंगे हमारा ये क्रीम चीज विच इज फुल ऑफ कैल्शियम एंड सो यमी. इसके ऊपर हम एक नाइस जेनरस लेयर ऑफ क्रीम चीज लगा देंगे. अब इसके दो फायदे होंगे. एक तो यमी टेस्ट विच गोज विदाउट सेइंग. दूसरा ये हेल्प करेगा सारे वेजिटेबल्स को अपनी जगह में होल्ड करने के लिए. सो नाइस डबल वैमी विद दिस क्रीम चीज. अब हम लेंगे हमारे ये नाइसली पतले पतले श्रेडेड कैबेज. अब इसके बाद इसमें हम लगाएंगे हमारे फाइनली स्लाइस क्यूकम्बर के स्लाइसेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट
some carrots. अब देखिए कितने हेल्दी वेजिटेबल्स हमने यूज किए हैं. कैरेट्स में इतना विटामिन ए है, आंखों के लिए इतना अच्छा होता है. अब इन तीनों वेजिटेबल्स को हमने अच्छे से लेयर कर दिया है. अब हल्का सा ऊपर से सॉल्ट, कुटी हुई काली मिर्च एंड फिर इसे हम रोल के शेप में बना देंगे. तो अब क्या करेंगे, इसे पहले टर्न कर देते हैं एंड हमारी जो कटिंग है उसे इजी बनाने के लिए लेट्स टेक द हेल्प ऑफ सम टूथपिक. लवली. अब ये जो साइड्स हैं पहले इन्हें काट दीजिए. अब इन्हें हम बीचों बीच इन दो टूथपिक्स के बीच से काट देंगे. नाइस, जेंटल एंड नाइस. एंड हियर कैन यू सी द राउंड एंड राउंड एंड राउंड एक लेयर ऑफ कैरेट्स, कैबेज एंड यमी क्यूकम्बर और उसके चारों तरफ ग्रीन टॉर्टिया. है ना एक्साइटिंग? चलिए तब तक आप देखिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप. वेज स्प्रिंग रोल्स. सबसे पहले एक बोल में 2.5 कप गेहूं का आटा डालें, उसमें डालें पालक प्योरी और मिलाएं, फिर डालें नमक और काफी सारा पानी और गूंद कर एक सेमी स्टिफ लोई बना लें. फिर लोई को सामान हिस्सों में बांटें और बेल कर मध्यम आकार के डिस्क बना लें. एक नॉनस्टिक तवा गरम करें और उस पर बनाए हुए डिस्क को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें और एक प्लेट पर रखें. फिर खीरे को पतले राउंडल्स में काट लें और पर्पल कैबेज को श्रेड कर लें. फिर एक बोल में साथ में मिलाएं क्रीम चीज, नमक, कुटी हुई काली मिर्च और मिक्स्ड हर्ब्स. अब इस क्रीम चीज के मिश्रण को हर सेके हुए डिस्क पर फैलाएं. अब हर डिस्क के एक साइड में रखें थोड़ा श्रेड किया हुआ पर्पल कैबेज, बीच में रखें खीरे के राउंडल्स और बचे हुए साइड पर रखें गाजर. ऊपर से छिड़के नमक और कुटी हुई काली मिर्च, रोल करें और टूथपिक्स लगाकर तीन हिस्सों में काटें. माइक्रोग्रीन से सजाकर गर्मा गर्म परोसें. Rookies.